लेखांकन समीकरण क्या है, किस प्रकार ये बनाए जाते हैं, जब वास्तव में हम इनके संख्यात्मक प्रश्नों को बनाएंगे तो क्या होगी इसकी संपूर्ण प्रक्रिया, ये जानने के लिए आइए कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। लेखांकन समीकरण को समझने के लिए हम एक उदाहरण को प्रक्रियाबद्ध रूप से बनाते जाएंगे। जैसे कि पहला व्यवहार जो है उसमें एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि रवि ने 1,00,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि रवि द्वारा 20,000 रुपए का फर्नीचर नगद खरीदा गया। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी व्यवहार के साथ साथ, ये अलग अलग प्रश्न नहीं है बल्कि इसी व्यवहार के साथ साथ अब क्या होता है कि रवि ने 10,000 रुपए का माल नगद खरीदा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि रवि ने 10,000 रुपए मूल्य का माल उधार खरीदा। अब फिफ्थ स्टेप में हम देखते हैं कि रवि ने 8,000 रुपए की लागत के माल को 10,000 रुपए में नगद बेच दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि रवि 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करता है अपने व्यवसाय में, ये जो 1,00,000 है वो उसकी देताएं यानी कि लायबिलिटी हो जाएंगी और ये कह सकते हैं कि व्यवसाय पर 1,00,000 रुपए जो है वो दायित्व तो पूंजी के रूप में विनियोजित किया गया है। तो जब हम इसको लेखांकन समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हम, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हम एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी लिखते हैं और यही जो 1,00,000 है वो एक प्रकार से एक रोकड़ भी है, व्यवसाय के लिए संपत्ति भी है और उसी से उसका उसकी देयताएं भी उत्पन्न होती हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसकी प्रविष्टि करते जाएंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। हम जब इसकी पंजी प्रविष्टि करते हैं तो हम इसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश जो है वो एसेट्स है और कैपिटल हमने देखा कि वो एक प्रकार की लायबिलिटी है, क्योंकि हमने पहले जाना था कि व्यवसाय जो है और व्यवसाय का स्वामी जो है, दोनों का स्वामित्व अलग अलग होता है, पृथक होता है। यही कारण है कि उसके द्वारा लाई गई जो पूंजी होती है वो दायित्व के रूप में यहाँ पर उसका लेखांकन किया जाता है। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स के रूप में हम लिखेंगे कैश और लायबिलिटी के रूप में हम लिखेंगे कैपिटल। तो हम देखते हैं कि दोनों साइड की जो टोटल अमाउंट है 1,00,000 और इक्वल टू 1,00,000, ये बराबर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से जो रोकड़ लाई गई है उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा और दायित्व में भी कुछ परिवर्तन होगा। तो दो चीजें हैं, अगर रवि फर्नीचर नगद खरीदता है तो एक तो उसके पास व्यवसाय में फर्नीचर आएगा और दूसरी बात उसके व्यवसाय की जो नगद राशि थी वो कम हो जाएगी। प्रत्येक व्यवहार के दो पक्षकार होते हैं, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो जब भी कोई पॉइंट आएगा हमको ये ध्यान में रखना है कि इससे कौन कौन से दो व्यवहार जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी प्रविष्टि करेंगे तो फिर हम उसी तरह से एंट्री करेंगे, संपत्ति बराबर दायित्व, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। और हम देखते हैं कि पहले हम एसेट्स के रूप में कैश लिखे थे लेकिन कैश में से ये 20,000 जो है वो अब यहाँ पर हम माइनस करके शो करेंगे, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैश 80,000 हो जाएगा। और साथ में हम देख रहे हैं कि एक फर्नीचर जो है वो एसेट्स के रूप में हमारे पास आ रहा है तो उसको हम एसेट साइड में प्लस कर देंगे, एड कर देंगे साथ में 20,000 का फर्नीचर। और लायबिलिटी साइड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो 1,00,000 की अमाउंट वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संपत्ति साइड में यानी एसेट साइड में हो जाएगा 80,000 प्लस 20,000 इक्वल टू लायबिलिटी साइड में कैपिटल की अमाउंट 1,00,000 रुपीस, यानी दोनों जो इक्वेशंस है वो दोनों साइड के बराबर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि अब रवि 10,000 रुपए का माल नगद खरीद रहा है तो इससे क्या क्या दो चीजें प्रभावित होंगी। तो एक तो जब वो 10,000 रुपए का माल नगद खरीदेगा तो व्यवसाय में जो कैश थी 80,000 की वो 10,000 से कम हो जाएगी क्योंकि उसने नगद माल खरीदा है। और दूसरी बात, संपत्ति साइड में जो माल है, गुड्स है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम खरीद रहे हैं, ये माल हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशंस बनेंगे, जो समीकरण बनेंगे वो हो जाएगा कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स, और कैपिटल साइड, दायित्व साइड में हम देखते हैं कि वो कैपिटल ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 80,000 में 10 हम माइनस कर देंगे क्योंकि नगद हमने खरीदा है, तो 70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000।
और लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज की रहेगी। स्टेप बाय स्टेप हम इसका टोटल चेक करते चलेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि संपत्ति जो है वो भी 1 लाख की दिख रही है और दायित्व तो जो है वो भी 1 लाख के दिख रहे हैं, बराबर है। अब इस पॉइंट को हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि 10,000 रुपए का माल जो रवि ने उधार खरीदा है उससे कौन कौन से दो पक्ष जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो पहली बात तो उसने उधार माल खरीदा, जब वो माल खरीदेगा चाहे वो उधार है चाहे वो नगद है वो व्यवसाय में आएगा, यानी कि पहले जो हमारी गुड्स वाली अमाउंट थी उसमें वो जुड़ जाएगा। एक और दूसरी ये बात कि उधार खरीद रहा है ये, यानी यहाँ पर हमारे क्रेडिटर बन रहे हैं, नए लेनदार की उत्पत्ति हो रही है। तो क्रेडिटर जो होता है वो एक लायबिलिटी का एक हिस्सा होता है, तो ये चला जाएगा लायबिलिटी साइड में। ओवरऑल जब हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे तो वो किस तरह से होगा, अब हमारा नया इक्वेशन होगा फोर्थ स्टेप में, कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स इक्वल टू लायबिलिटी साइड में हो जाएगा कैपिटल प्लस क्रेडिटर। ये हो जाएगा 70,000 में से, क्योंकि 70,000 वैसा ही रहेगा, वहां पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि नगद व्यवहार नहीं है, ये उधार है। तो कैश जो है वो अभी भी 70,000 है, तो ये हो जाएगा 70,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 इक्वल टू लायबिलिटी साइड अगर हम जाएं तो 10,000 जो कि नए क्रेडिटर बने हैं और प्लस 1 लाख जो पहले से कैपिटल हमारी थी। तो यहाँ पर हम इस स्टेप में भी चेक करते हैं तो दोनों साइड का जो टोटल है वो 1,10,000 आता है। बहुत सावधानी से हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं तो हमें दो तीन बातें, नई बातें हैं वो पता चलती हैं। जैसे कि इसने, रवि ने जो माल बेचा है, पहली बात तो वो नगद बेचा है, यानी कि पैसा हमारे पास आया है 10,000 रुपए। दूसरी बात, उसकी जो कॉस्ट थी वो 8,000 रुपए की थी, मतलब हमारे पास गुड्स जो कम हो रहा है वो 8,000 रुपए की लागत से कम होगा, विक्रय मूल्य से नहीं, वो कॉस्ट प्राइस से वो कम होता है, तो 8,000 रुपए की लागत से कम होगा। और तीसरी एक बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि 8,000 रुपए की लागत का माल अगर 10,000 रुपए में बेचा जाएगा तो यहाँ पर 8,000 माइनस 10,000 तो 2,000 रुपए का यहाँ पर हमको लाभ होगा। तो वो तीसरी जो बात निकल कर आती है उसकी हम यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। कैश जो है उसमें क्योंकि यहाँ पर हमने माल बेचा है तो पैसा आया है हमारे पास 10,000, तो अब ये जो कैश है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 80,000। फर्नीचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो 20,000 ही रहेगा, लेकिन गुड्स में परिवर्तन हुआ है। 20,000 का गुड्स हमारे पास था, उसमें से 8,000 के कॉस्ट का गुड हमने सेल कर दिया, तो गुड्स की अमाउंट अब हमारे पास बचेगी 12,000। लायबिलिटी साइड में अगर हम जाएं तो देखते हैं कि क्रेडिटर जो थे हमारे पास वो 10,000 के अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन कैपिटल हमारी जो 1 लाख की थी उसमें हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं और अगर लॉस होता है कहीं पे तो माइनस करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमने 8,000 के गुड्स को 10,000 में सेल कर दिया तो यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो 2,000 की अमाउंट है वो कैपिटल में जुड़ जाएगी, तो अब यहाँ पर हमारा कैपिटल हो जाएगा 1,02,000 का। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इस स्टेप में कि लायबिलिटी और एसेट्स बराबर है, तो हम देखते हैं कि लायबिलिटी जो है वो भी 1,12,000 है और एसेट्स का जो टोटल है वो भी 1,12,000 है। यानी इस पूरे इक्वेशन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कुल योग जो है दायित्व का वो पूंजी के योग के बराबर होता है, और ये जो लेन देन है उसका अगर हम एक बैलेंस शीट बनाए तो कैसी बैलेंस शीट बनेगी ये हम देखते हैं। हम देखते हैं कि क्रेडिटर हमारे 10,000 के हैं जिसे हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, कैपिटल हमारी 1,02,000 की है उसे हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और एसेट साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, 80,000 की कैश है, फर्नीचर है हमारा 20,000 का और गुड्स है हमारा 12,000 का। तो टोटल ये बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी 1,12,000 से। इस दिए गए प्रश्न में हमको लेखांकन समीकरण बनाना है और कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जिनके आधार पर हम इन समीकरणों को हमको बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको टेबल के रूप में बनाएंगे तो
चार कॉलम का ये टेबल बनेगा, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे, व्यवहार जो किए गए हैं, थर्ड कॉलम में हम इफेक्ट लिखेंगे कि इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, और फोर्थ कॉलम में हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, रोकड़ लगाकर व्यवसाय प्रारंभ 1 लाख से। सेकंड है माल नगद खरीदा, परचेस गुड फॉर कैश 15,000 से। माल उधार खरीदा, परचेस गुड ऑन क्रेडिट 10,000। किराया भाड़ा नगद दिया, कैश पेमेंट ऑफ रेंट 5,000। निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से नगद निकाले, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 800। इसके अकॉर्डिंग जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो फर्स्ट कॉलम में हम सबसे पहले फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। ट्रांजेक्शन में हम इस जो पॉइंट हमको दिया गया उसे लिखेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट बिजनेस विद कैश है और इसकी अमाउंट है 1 लाख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख इक्वेशन। थर्ड में हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि जब हम बिजनेस में कैश लगाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी जनरल एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि यहाँ पर एक तो एसेट्स के रूप में कैश आ रहा है व्यवसाय में, कैश इंक्रीज हो रही है, और सेकंड कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पर एक कैपिटल नहीं बन रही है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो ये इफेक्ट इसके दो होते हैं, जो भी व्यवहार हम करेंगे सबके दो इफेक्ट होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कैश भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब जब इक्वेशन बनाएंगे हम फोर्थ कॉलम में तो यहाँ पर हम एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि एसेट्स जो है वह हमारा कैश के रूप में 1 लाख है और इक्वल टू लायबिलिटी जो है वो अभी 0 है, और प्लस कैपिटल अगर हम करना चाहें तो 1 लाख यहाँ पर कैपिटल है हमारा वो हम लिखेंगे, तो दोनों टोटल जो है वो बराबर है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि माल नगद खरीदा, परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। तो यहाँ पर एक न्यू इक्वेशन जुड़ेगा और ये हम देखेंगे कि इस व्यवहार से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो बात ये है कि क्योंकि हमने नगद माल खरीदा है तो एक तो हमारे पास माल आएगा यानी कि गुड्स इंक्रीज होगा, और दूसरा यहाँ पर नगद हमने माल खरीदा मतलब कैश गई हमारे पास से, यानी कि कैश जो है वो डिक्रीज होगी। इन दोनों इफेक्ट को हम ध्यान में रखते हुए जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन होगा उसमें एसेट साइड में हमने जो कैश लिखी हुई थी उसमें हम 15,000 अब माइनस कर देंगे, क्योंकि 15,000 चले गए हमारे पास से, हमने गुड्स खरीद लिया, तो अब ये हो जाएगा 85,000। और इक्वल टू लायबिलिटी साइड में हम देख रहे हैं कि अभी कोई नई लायबिलिटी यहाँ पर नहीं बनी है तो उसको हम 0 ही रखेंगे, और प्लस कैपिटल जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ तो वो 1 लाख ही रहेगा। अब दोनों अगर हम टोटल करके देखें तो अभी भी 1 लाख ही आ रहा है, एसेट्स भी और लायबिलिटी भी। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसे हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन में लिख लेंगे, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस ट्रांजेक्शन का, एक तो जब हम गुड्स परचेस कर रहे हैं और वो भी क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, दोनों बातों को हमको ध्यान में रखनी है। तो जब हम गुड्स परचेस करेंगे, चाहे कैश परचेस करें चाहे क्रेडिट परचेस करें, गुड्स जो है वो इंक्रीज होगी। एक इफेक्ट ये है कि गुड्स इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी क्योंकि हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो यहाँ हमारे नए क्रेडिटर बनेंगे, लेनदार हमारे नए बनेंगे, तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब जब हम इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में हम देख रहे हैं कि एसेट्स में तो जो हमारी कैश थी वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये उधार व्यवहार है, तो वो 85,000 ही रहेगी। प्लस गुड्स हमारे पास जो पहले 15,000 के थे, अब उसमें 10,000 के गुड्स और हमने परचेस कर लिए तो वो 25,000 के गुड्स हो गए। अब इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नया कैपिटल हमारा बन रहा है, क्रेडिटर जुड़ रहे हैं साथ में, तो क्रेडिटर प्लस कैपिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1 लाख इक्वल टू 1,10,000 लायबिलिटी, और एसेट्स में भी हम टोटल करके देखें तो 1,10,000 एसेट्स आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम कैश पेमेंट ऑफ रेंट, किराया नगद देते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है इससे क्या डिक्रीज हो रहा है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर कि जब हम
किराया भाड़ा नगद देते हैं तो हमारा जो कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये एक प्रकार का व्यय है, खर्च है, तो यहाँ पर कैपिटल जो है वो भी 5000 से डिक्रीज हो जाएगी। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पर हमको सिर्फ कैश में से 5000 माइनस कर देना है और लायबिलिटी साइड हमको कैपिटल में से 5000 माइनस कर देना है, तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा, पहले जो कैश 85000 की थी वो अब हो जाएगी 80000 की। तो 80000 प्लस 25000 इक्वल टू लायबिलिटी साइड में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लायबिलिटी जो थी वो हमारी 10000 की है, तो वो एज इट इज रहेगी 10000 प्लस 95000। तो यहाँ पर हम इसका टोटल करके देखते हैं, 105000 जो है वो दोनों का इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से निकाले, तो ये क्योंकि उसका पर्सनल यूज है और कैश उसने विड्रॉल किया है, तो ये यहाँ पर जो नई बात एक सामने आएगी वो ये होगी कि जब हम कैश विड्रॉल करते हैं फर्म से तो एक तो जो हमारी कैश होती है वो कम हो जाती है और दूसरी बात एक ये होती है कि कैपिटल में से हम जो ड्रॉइंग की जो अमाउंट होती है वो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगा, यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है उससे दो चीजें प्रभावित हो रही है, दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक तो कैश डिक्रीज हो जाएगी और दूसरा कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन हम तैयार करेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर 80000 जो था पहले, अब वो हो जाएगा 79200 और साथ में 25000 जो था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन लायबिलिटी साइड हमको ध्यान में रखना है, लायबिलिटी साइड हमारी जो कैपिटल थी 95000 की अब वो डिक्रीज होकर 94200 की हो जाएगी और क्रेडिटर जो 10000 के थे वो एज इट इज रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टोटल है हमारा यहाँ पर फिफ्थ स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद वो एसेट साइड का भी 104200 है और लायबिलिटी साइड का भी 104200 है। निम्नलिखित लेन देनों के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए एवं अंतिम शेषों से स्थिति विवरण बनाइए। इस प्रश्न में क्योंकि हमको इक्वेशन के साथ साथ इन इक्वेशंस के आधार पर स्थिति विवरण यानी कि फाइनल बैलेंस शीट भी बनानी है, तो एक विस्तार से हम इसका लेखा करते चलेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था ठीक वैसे ही यहाँ पर हम चार कॉलम बना लेंगे, जिनमें से एक कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे और एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए हम इक्वेशन यहाँ पर हम बनाते चलेंगे। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। राम ने 30000 रुपए नगद और 15000 रुपए का फर्नीचर लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। दूसरा है माल नगद क्रय किया 3000 रुपए में और तीसरा है माल उधार क्रय किया 2500 रुपए। चौथा माल नगद बेचा 1500 रुपए, माल उधार बेचा 2000 रुपए, कमीशन प्राप्त हुए 1200 रुपए, राहुल को वेतन 500 रुपए दिया और फर्नीचर पर 10% हास लगाया जाएगा। इन सभी व्यवहारों के आधार पर जब हम इनका लेखा करेंगे लेखांकन समीकरण में, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से बनेगा ये देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम क्रमांक में सीरियल नंबर 1 डालते हुए आगे बढ़ेंगे और ट्रांजेक्शन जो है उसमें हम लिखेंगे व्यवसाय प्रारंभ किया 30000 रुपए नगद और 15000 रुपए के फर्नीचर से। उसके बाद वाले कॉलम में हम इसके इफेक्ट को लिखेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब राम ने 30000 रुपए नगद और 15000 रुपए फर्नीचर से व्यवसाय प्रारंभ किया तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि व्यवसाय प्रारंभ किया गया तो ये नगद और फर्नीचर जो दोनों चीजें ही हैं जो फर्म की कैपिटल बन जाएंगी यानी कि वो लायबिलिटी साइड में चले जाएगा और कैश और फर्नीचर जो है वो दोनों ही व्यवसाय की संपत्ति बन जाएंगी यानी कि एसेट साइड में चला जाएगा। तो जब हम इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे तो वो किस प्रकार से होगा, संपत्ति बराबर दायित्व और संपत्ति साइड में हो जाएगा रोकड़ प्लस फर्नीचर और बराबर दायित्व में हो जाएगा दायित्व प्लस पूंजी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संपत्ति साइड में रोकड़ हो गई 30000, फर्नीचर हो गया 15000 और दायित्व साइड में जब हम दायित्व प्लस पूंजी लिखते हैं
तो दायित्व अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और पूंजी जो है वो टोटल 30,000 रुपए नगद और 15,000 रुपए फर्नीचर मिला के 45,000 रुपए की पूंजी यहाँ पर हमारी बन गई, और ये दोनों साइड का जो है संपत्ति और दायित्व जो है वो बराबर आ जाता है हमारा। सेकेंड स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है नगद माल क्रय किया। तो नगद माल जब हम क्रय करेंगे, इसे हम सेकेंड लिखेंगे क्रमांक में, और लेन देन में हम लिखेंगे माल नगद क्रय किया 3,000 रुपए से, और इसका इफेक्ट देखते हैं हम, किस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होता है। तो इसका एक इफेक्ट तो ये होगा कि जब हम माल नगद क्रय करेंगे तो हमारे पास माल आएगा, और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि नगद क्योंकि हमने क्रय किया है तो हमारे पास जो कैश है वो कम हो जाएगी। अब जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो हम देखते हैं कि संपत्ति साइड में जो कैश है हमारी 30,000 की, उसमें से ये 3,000 के कैश कम हो जाएगी, और साथ में एक नया पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा प्लस गुड्स, और वहां पर हम इसको 3,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा रोकड़ प्लस माल प्लस फर्नीचर, और दायित्व साइड में हम लिखेंगे दायित्व प्लस पूंजी क्योंकि अभी कोई भी नया दायित्व नहीं बना है, और पूंजी 45,000 पहले भी थी अभी भी वही रहेगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि रोकड़ जो था हमारा वो 27,000 का हो गया, माल हमने नया नगद जो खरीद लिया वो 3,000 रुपया यहाँ पर जुड़ गया, फर्नीचर हमारे पास 15,000 का था वो वैसे के वैसे ही रहेगा, और इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों साइड का जो इक्वेशन है टोटल जो है वो बराबर आ जाता है। तीसरा हमारा जो लेन देन है उसे हम यहाँ पर लेन देन कॉलम में लिख लेंगे, माल उधार क्रय किया 2,500 रुपए का। अब हम बहुत सावधानी से यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 2,500 रुपए का माल क्रय हुआ है इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम माल उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, हमारा माल जो है संपत्ति साइड में गुड्स जो लिखा हुआ है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन क्योंकि हमने उधार क्रय किया है तो हमारे यहाँ पर नए लेनदार यानी कि क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, हमारी एक नई लाइबिलिटी यहाँ पर बन रही है। तो अब हम जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास संपत्ति साइड साइड में जो पहले से गुड्स है 3,000, उसमें ये 2,500 का गुड्स जो है वो जुड़ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, रोकड़ प्लस माल प्लस फर्नीचर, और लाइबिलिटी साइड में हो जाएगा नया हमारा दायित्व एक उत्पन्न हुआ तो लेनदार प्लस पूंजी। तो अब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, रोकड़ में आ जाएगा हमारा 27,000 जो कि पहले भी था, प्लस माल जो है वो बढ़ के हो जाएगा 5,500, फर्नीचर वैसा ही रहेगा 15,000 का, और दायित्व साइड में हम देखते हैं कि लेनदार एक नया दायित्व जुड़ गया 2,500, और प्लस पूंजी जो है वो 45,000 की वैसी ही रहेगी। अगला स्टेप हम देखते हैं, माल नगद बेचा 1,500 और उधार माल बेचे 2,000। तो यहाँ पर दोनों ही व्यवहारों के लिए हम अलग अलग लेखांकन समीकरण बनाएंगे। जैसे पहले हम देखते हैं कि माल नगद बेचा, तो जब हम नगद माल बेचेंगे तो दो चीजें प्रभावित होती हैं, एक तो माल जो हमारे पास है वो कम हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि हमने बेचा है और नगद बेचा है तो 1,500 रुपए हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए जो समीकरण बनाएंगे उसमें हो जाएगा रोकड़ प्लस माल प्लस फर्नीचर, और दायित्व साइड में हो जाएगा बराबर दायित्व प्लस पूंजी। अब रोकड़ में क्या होगा, क्योंकि ये नगद व्यवहार है तो पहले से हमारे पास जो 27,000 की रोकड़ थी उसमें ये 1,500 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28,500 रोकड़। अब माल क्योंकि बिक गया 1,500 रुपए का, और पहले से हमारे पास जो माल था वो था 5,500 का, इसमें से 1,500 का माल बिक गया तो ये 4,000 का हमारे पास माल बचा, प्लस फर्नीचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वो वैसा ही रहेगा, और दायित्व साइड में हम देखें तो दायित्व जो है वो लेनदार जो है वो वैसे के वैसे ही है 2,500 रुपए के, और प्लस पूंजी जो है वो 45,000 रुपए की वैसे के वैसे ही रहेगी। अब इसी स्टेप में हम देखते हैं कि माल उधार भी बेचा है, तो इसके लिए अलग स्टेप बनेगा, माल उधार बेचा है उसने 2,000 रुपए का, तो क्योंकि जब वो माल उधार बेचेगा तो दो चीजें यहाँ पर प्रभावित होंगी, यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्या आ रहा है कि एक तो माल बेचा तो हमारे पास पहले से जो माल था वो कम हो गया, कितने से कम हो गया 2,000 रुपए से,
और दूसरी बात, क्योंकि हम माल उधार बेच रहे हैं तो यहाँ पर एक नई एसेट्स जुड़ रही है जिसे हम कहते हैं देनदार यानी डेटर्स। तो आइए देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। अब क्योंकि ये उधार विक्रय है तो कैश तो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, कैश जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि ये जो कैश है वो हो जाएगी 28,500 रोकड़। अब क्योंकि माल हमने बेचा है तो हमारे पास जो माल था उसमें से 2000 रुपए का माल हमने बेच दिया, तो अब हमारे पास जो माल बचेगा वो हो जाएगा 2000 रुपए का। और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्नीचर जो थे उसमें तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो वैसे का वैसे 15,000 का रह जाएगा। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि देनदार एक नए जुड़ गए, तो उन देनदारों को हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे, तो हम यहाँ पर प्लस देनदार लिखकर 2000 यहाँ पर शामिल कर लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या होता है। तो इस विक्रय से, इस उधार विक्रय से लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वहां पर जो 2500 के दायित्व थे और 45,000 की जो पूंजी थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। फिफ्थ स्टेप में हम एक चीज देखते हैं कि कमीशन प्राप्त हुआ है 1200 रुपए। तो क्योंकि कमीशन जब प्राप्त होता है तो दो चीजें हैं, एक तो जो हमारा कैश है वो बढ़ जाएगा और दूसरा जो लायबिलिटी है वहां पर, क्योंकि कमीशन प्राप्ति है एक प्रकार की आय है, तो वो जुड़कर यहाँ पर दिखाई जाएगी, कैपिटल में हम उसको जोड़ देते हैं। तो ये जो टोटल हमारी जो कैपिटल है नेक्स्ट स्टेप में वो हो जाएगी 46,200 और दायित्व जो है वो हो जाएंगे 2500 के, पहले भी थे अभी भी रहेंगे। संपत्ति साइड में जो हमारी कैश है वो हो जाएगी 28,500 की और गुड्स जो है वो हमारे पास अब 2000 का ही बचा है, उधार 2000 का बचा है। फर्नीचर जो है 15,000 के वो वैसे ही रहेंगे, तो प्लस फर्नीचर 15,000 हो जाएगा। डेटर्स जो थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो वो 2000 के रहेंगे और प्लस यहाँ पर हम कर देंगे क्योंकि कमीशन प्राप्त हुए हैं, प्राप्ति है हमारे लिए, तो ये जो 1200 जो कमीशन है वो कैश में यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब राहुल को वेतन दिया गया है अगले स्टेप में। यहाँ पर क्योंकि वेतन दिया गया है तो 500 रुपए जो है वो हमारे पास जो कैश थी उसमें से कम हो जाएगा और दायित्व साइड में जो है वहां से भी ये 500 रुपए के जो अमाउंट है वो कम कर दी जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आ जाएंगे इसके। और नेक्स्ट स्टेप में जब फर्नीचर पर हाथ लगाया जाएगा तो हम देख रहे हैं कि फर्नीचर की बाकी अमाउंट तो एज इट इज रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब फर्नीचर में हाथ हम लगाएंगे तो फर्नीचर हमारे पास 15,000 के थे और उस पर जब हम 10% यानी कि 1500 डेप्रिसिएट करेंगे वैल्यू, तो अब जो फर्नीचर है वो हो जाएगा 13,500 का। बाकी जो वैल्यू है कैश के, गुड्स की और डेटर्स के, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लायबिलिटी साइड में हम देखते हैं कि जो लायबिलिटी थी क्रेडिटर की 2500 वो वैसे ही रहेगी और कैपिटल जो है 45,700 की थी, वहां पर ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 1500 वो माइनस अगर हो जाती है तो अब उसकी वैल्यू हो जाती है 44,200। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को अगर हम टोटल करें तो उनकी जो अमाउंट है 46,700 वो इक्वल आती है। अब इस समीकरण के आधार पर जब हम एक स्थिति विवरण का निर्माण करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लायबिलिटीज साइड में हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल करते हैं तो एक क्रेडिटर है 2500 का और कैपिटल जो अभी लास्ट में निकल के आई है वो है 44,200। और एसेट साइड में हम देखें तो इक्वेशन से हमको मिला है कैश है 29,200 के, गुड्स स्टॉक है 2000 के, डेटर्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं 2000 के और फर्नीचर जो है डेप्रिसिएट होने के बाद 13,500 का हो जाता है। और इस प्रकार हम इसका टोटल देखते हैं बैलेंस शीट का तो 46,700 से ये टैली हो जाता है।